वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। आज के लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में समझेंगे ठीक से, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज भी देखेंगे कि यूज इसका कहाँ कहाँ करते हैं। पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं कि इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते किसे हैं। बताया जा रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस एक्शन को डिनोट करता है, सूचित करता है, यह उस एक्शन को सूचित करता है जो कंप्लीट हो चुका है, जो खत्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है, एंड हुज इफेक्ट्स आर स्टिल देयर, और उसका प्रभाव अभी भी है। दो चीज, एक तो कंप्लीट हो गया है और दूसरा प्रभाव अभी भी है। तो प्रभाव की बात करेंगे और कंप्लीट हो गया है कैसे इसकी बात करेंगे। फिर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डेफिनेशन है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड एंड हुज इफेक्ट्स आर स्टिल देयर, मतलब वैसे एक्शन को सूचित करता है जो कंप्लीट हो गया है और उसका प्रभाव स्टिल अभी भी है। राइट, तो पहले कंप्लीट हो गया है, देख लेते हैं जो एग्जांपल्स लिखे उसे, फिर उनका प्रभाव कैसे है उसे समझते हैं। आई हैव मेड रोटी, मैंने रोटी बनाया है, कंप्लीट हो गया, बनाया है तो बना दिया, काम खत्म हो गया है। मीरा हैज फिनिश्ड फूड, मीरा खाना खा चुकी है, खत्म कर चुकी है, तो खत्म कर दिया, खाना खत्म हो गया। नाउ सीमा हैज गॉन आउट, सीमा बाहर गई है, तो बाहर गई है मतलब अंदर नहीं है, बाहर गई, चली गई, फूल हो गया, कंप्लीट हो गया। नाउ आई हैव पास्ड द एंट्रेंस एग्जाम, मैं प्रवेश परीक्षा पास कर चुका हूँ, पास कर चुका हूँ, वेरी गुड, मतलब अब नहीं देना है, पास कर लिया है अपने काम, कंप्लीट। राम हैज लिव्ड हियर सिंस 1990, राम यहाँ 1990 से रह चुका है, ठीक है, जो बात बोल रहे हैं रह चुका है, तो यहाँ पे ये भी कंप्लीट। मीरा हैज मेट मीना सेवरल टाइम्स, मीरा मीना से अनेक बार मिल चुकी है, मतलब अनेक बार मिल चुकी है, जो बोल रहे हैं तो ये हो चुका है, अनेक बार मिल चुकी है। तो इस तरह से आपने क्या देखा, इतने में जो टास्क है, जो एक्शन है, वह एक्शन कंप्लीट हो चुका है। नाउ इफेक्ट अभी भी है कैसे, दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं। आई हैव मेड रोटी, मैं रोटी बना लिया हूँ, हो सकता है खाया नहीं है अभी उसका, है ना, कह रहा हूं कि मैं रोटी बना चुका हूं, तो उसका अभी भी बनाया हूं, उसका प्रभाव है, तभी तो बोल रहा मैं बना चुका हूं, मतलब या तो खाना बाकी है या जो कुछ जो सब्सिक्वेंट काम है वो बाकी है, तो बना चुका हूं लेकिन उसका प्रभाव अभी जीवंत है, क्या करना है उसके बाद वो अभी किया नहीं। मेरा हैज फिनिश फूड, मेरा फिनिश फूड, फूड फिनिश कर ली है, खत्म कर ली है, लेकिन अब उसको क्या करना है ये तो पता नहीं, लेकिन फूड फिनिश कर ली है, कुछ ना कुछ नेक्स्ट करना है, प्रभाव इसका बाकी है। सीमा हैज गॉन आउट, सीमा बाहर गई है, अगर मैं कह रहा हूँ सीमा बाहर गई है तो कोई ना कोई पर्पस है कहने का, मतलब अब हमें कुछ काम शुरू करना है, चाहे अब हमें जो कुछ करना है अब उसके जाने के बाद करना था तो उसे करना है, तो इसका प्रभाव है। मैं एंट्रेंस एग्जाम पास कर चुका हूँ, तो पास कर चुका हूँ तो अब मुझे एडमिशन लेना है, उसका प्रभाव बाकी है। राइट, राम हैज लिव्ड हियर सिंस 1990, राम यहाँ 1990 से रह चुका है, हम कुछ बता रहे हैं अभी और कुछ बताना है इसके बारे में ही, तो प्रभाव इसका बाकी है। मीरा हैज मेट मीना से, अनेक बार मिल चुकी है मीरा मीना से, अभी और भी मिलेगी, हो सकता है, चाहे कुछ और भी बात है, प्रभाव इसका बाकी है। मतलब क्या, यह काम कंप्लीट हो गया लेकिन कंप्लीट होने का प्रभाव, उस काम का प्रभाव अभी भी है, हाँ, इसलिए इसे कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण क्यों, कंप्लीट हो गया, और वर्तमान काल मतलब प्रभाव वर्तमान काल में है। राइट, तो इससे आगे बढ़ते हुए अब हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में क्या क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, पहचान कैसे करेंगे, हिंदी में कोई सेंटेंस होगा तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो क्रिया के अंत में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका हूँ, चुकी हूँ,
दूसरा आ है, ई है, ए है, ए हो, आ हूं, ई हूं, किसी तरह का भाई। यहाँ पे और लिखा है ना, तो ऊपर वाला क्रिया का अंत में होगा चाहे नीचे वाला होगा, कोई भी हो, अगर इस तरह का है वह सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जरा आ है पे बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, लिखा में आ कैसे आया, लिखा इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, तो आप जानते हैं लिखा का ल छोटी ई, फिर छोट आधा ख और फिर आ, लिखा इसका वर्ण विच्छेद होता है इस तरह से, अंत में क्या आया आ, इसलिए यहाँ पे आ है। ऐसे ही देखते हैं लिखे पर, लिखते हैं लिखे, वर्ण विच्छेद कर रहे हैं, आधा ल फिर ए आधा ख और ए, अंत में ए है, देखिए ए है यहाँ पे ए है, तो यह सब रहेगा वर्ण विच्छेद करके आपको देखना पड़ेगा, इस तरह का अंत में रहेगा। तो अच्छा है, इतना ही नहीं, हाँ ठीक है, ये सब अंत में रहेगा तो आप समझेंगे वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो पहचान का तरीका याद रखेंगे, पहचान के बाद अब स्ट्रक्चर पे देखते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, स्ट्रक्चर मतलब कैसे हिंदी से इंग्लिश में चेंज करते हैं, स्ट्रक्चर बनावट है। आप तो बखूबी जानते हैं कि किसी भी टेंस की बनावट में सबसे पहले सब्जेक्ट और सबसे अंत में ऑब्जेक्ट, तो इसको तो हमें पढ़ना नहीं, ये तो आपको ध्यान रखना है हमेशा सारे सारे ही टेंसेस में, शुरू में सब्जेक्ट और बाद में अंत में ऑब्जेक्ट, और भी कुछ रहता है तो वो रखते हैं, वो सब छोड़ देते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखना है कि हैज और हैव है। हैज का प्रयोग जानते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वहां पे करते हैं हैज का प्रयोग, और जब सब्जेक्ट प्लुरल होता है तो वहां पे करते हैं हैव का प्रयोग। इसमें आई और यू भी शामिल रहेंगे, आई के साथ भी हैव, यू के साथ भी हैव, और बाकी प्लुरल जो भी सब्जेक्ट्स रहेंगे उनके साथ हैव, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करेंगे सिंगुलर के साथ। अब V3 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखना का वर्ब देख लेते हैं। आप जानते हैं राइट होता है लिखना का, राइट का दूसरा रोट होता है, और राइट का तीसरा रिटेन होता है, राइट का चौथा तो आपको पता है कि वर्ब में ing लगा देते हैं, और फिर पांचवा में क्या होता है एस चाहे ई एस लगाते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो जो थर्ड वन है इस थर्ड वन को यूज करना है, V3 को यूज करना होता है। तो ध्यान रहेगा सब्जेक्ट हैज हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। राम ने पत्र लिखा है तो क्या होगा, राम, राम तो क्या हो गया सिंगुलर हो गया, तो हैज, फिर रिटेन ही होगा तो R3 और लेटर, राम हैज रिटेन अ लेटर। सीता पत्र लिख चुकी है, सीता, सब सिंगुलर है तो सब वैसे ही रिपीट हो जाएगा, सीता हैज रिटेन अ लेटर। वे लोग पत्र लिख चुके हैं, दे हैव रिटेन, दे है तो इसलिए लेटर्स होगा, अनेक लेटर लिखेंगे लोग। तुम पत्र लिख चुके हो तो यू के साथ हैव होता है, रिटेन और लेटर। मैं पत्र लिख चुका हूं, मैं का आई, आई के साथ हैव रिटेन और लेटर। आप देख रहे हैं ऐसे है स्ट्रक्चर चेंज कैसे करते हैं। आगे बढ़ते हुए आपने देख लिया, क्या देखा, डेफिनेशन देखा, डेफिनेशन यही देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सूचित करता है कोई काम खत्म हो गया है लेकिन उसका प्रभाव है। दूसरा इसका पहचान, अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका हूं, चुकी हूं, या आ है, ई है, ए है, ए हो, आ हूं, ई हूं, सॉरी। और स्ट्रक्चर देख लिया आपने, सब्जेक्ट हैज हैव V3 ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस नंबर वन, मतलब यूज नंबर वन, केवल दो ही यूज है इसमें। पहला यूज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज फॉर द एक्शंस कंप्लीटेड इन नियर पास्ट, जो हाल में ही खत्म हो गया है, नियर पास्ट में मतलब हाल के ही में ही खत्म हुआ है,
एक्शंस कार्य उसके लिए यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। हम क्या कर रहे हैं यूज, कहां कहां करते हैं प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो पहला प्रयोग करते हैं कि जो कार्य अभी अभी खत्म हुआ है, नियर पास्ट मतलब अभी अभी खत्म हुआ है, तो उसको करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे दे हैव टेकन देयर लंच, वे लोग अपना लंच कर चुके हैं, तो ये अभी अभी खत्म हो गया, कह रहा हूं उसके पहले खत्म हुआ है। आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने पत्र लिख लिया है, यह भी नियर पास्ट में खत्म हो गया है। राम है जस्ट लेफ्ट द स्कूल, राम अभी अभी स्कूल छोड़ा है, मतलब यह भी नियर पास्ट में खत्म हो गया है। तो कोई काम जो नियर पास्ट में खत्म हो गया है उसे आप दिखाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जो डेफिनेशन था, डेफिनेशन में आपको नहीं लग रहा है कि यहां भी कॉम्प्लीटेड लिखा था हमने और क्या कहा प्रभाव बचा हुआ है, तो अभी अभी नियर पास्ट में तो कंप्लीट हुआ तभी तो प्रभाव बचा हुआ है। जैसे आई हैव मेड रोटी, रोटी बना लिया है, नियर पास्ट में खत्म हो गया है, लेकिन अब रोटी का पर्पस जैसे खाना चाहे कुछ भी करना बचा हुआ है। तो जो डेफिनेशन है उसी जैसा पहला यूज है कि कार्य जो अभी अभी खत्म हुआ होता है उसे दिखाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसमें एक ट्विस्ट है जो नोट में है, जिसे ध्यान से देखना है आपको, ध्यान से देखना है। जो कार्य नियर पास्ट में खत्म हो गया है उसे दिखाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, लेकिन अगर इसी कार्य में जोर दिया जाए टाइम को, तब वह टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ना होकर के टेंस होगा सिंपल पास्ट। ध्यान रखेंगे जो कार्य सिंपल पास्ट में भी हम पढ़ेंगे इसको अभी, जो कार्य नियर पास्ट में खत्म हो गया है उसे दिखाते हैं, लेकिन उसके साथ अगर टाइम जोड़ देंगे हम तो वो होगा सिंपल पास्ट में यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होगा, याद रखना है हमें। एग्जांपल देखिए, वी टुक आवर लंच एट 1 PM, 1 बजे हमने अपना लंच किया, यहाँ पे हिंदी होगा लंच किया, यहाँ पे V3 और हैज हैव नहीं लगाएंगे, जो सिंपल पास्ट टेंस में होता है, जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन इतना ध्यान आपको फिलहाल रखना है कि जब कार्य खत्म हुआ रहेगा नियर पास्ट में और उसमें टाइम जोड़ देगा तो वो अब नहीं होगा, वह होगा खाली सिंपल पास्ट में ही। आई कंप्लीटेड द वर्क इन द मॉर्निंग, यहाँ पर मॉर्निंग टाइम है तो मैंने काम को मॉर्निंग में कंप्लीट किया है, मॉर्निंग में कंप्लीट किया, किया है नहीं कंप्लीट किया हिंदी होगा। यहाँ पे हम लोग 1 बजे लंच किए, यही हिंदी होगा, ये ध्यान रखिएगा। जितना इम्पोर्टेंट केस 1 है उससे अधिक इम्पोर्टेंट उसका नोट है, क्योंकि कॉमन एरर्स में टाइम जोड़ देगा यहाँ पे और फिर आप सोचेंगे क्या करें, प्रेजेंट परफेक्ट की सिंपल पास्ट, तो ध्यान रखना है। दूसरा यूज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन इनिशिएटेड इन द पास्ट बट इट इज स्टिल कंटिन्यू। देखिए इनिशिएटेड का मतलब क्या होता है, शुरू किया गया, कब, पास्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं वैसे एक्शंस के लिए जो पास्ट में शुरू किए गए, पास्ट में शुरू कर दिए गए। देखिए जरा, दे हैव, बाकी को बता रहा हूँ, दे हैव लिव्ड इन दिस मोहल्ला फॉर 15 ईयर्स, 15 साल से वे लोग इस मोहल्ला में रहे हैं, 15 साल से वे लोग इस मोहल्ला में रहे हैं। ये रहने का काम कब इनिशिएट हुआ, 15 साल टाइम हुआ है, 15 साल पहले की बात है, तो एक काम का इनिशिएशन कब हो गया, शुरुआत कब हुई है, पास्ट में। यहाँ पे राम हैज लिव्ड हियर सिंस 2010, 2010 से राम यहाँ रह चुका है, मतलब 2010 पास्ट में काम इनिशिएट हुआ, अभी तो 2021 है तो पास्ट में काम इनिशिएट हुआ है। नाउ राम हैज मेट रोहन सेवरल टाइम्स, राम रोहन से अनेक बार, सेवरल टाइम्स मतलब अनेक बार मिल चुका है, तो
मिलने का काम पास्ट से ही शुरू हो रहा है, तो पास्ट में इनिशिएट हुआ है। यहाँ पर शब्द दिख लिया आपने, बट स्टिल इट इज स्टिल कंटिन्यू। अभी कंटिन्यू कैसे है, तो जैसे दे हैव लिव्ड इन दिस मोहल्ला फॉर 15 इयर्स, वे लोग इस मोहल्ला में 15 साल से रह चुके हैं। मतलब हम जिस परिवार की बात करते हैं, वे लोगों की बात कर रहे हैं, हम कहीं और जाकर बात कर रहे हैं जहां पर वो लोग सुन नहीं रहे हैं, हम उनकी बात कर चुके हैं। इशारा करके जो घर दिख रहा है वहां के लोग 15 साल से यहाँ रह चुके हैं, दे आर स्टिल लिविंग। क्या मतलब होगा इसका, मतलब कि वो अभी भी रह रहे हैं यहाँ पे। दूसरा, राम के बारे में बात की जा रही है कि राम यहाँ पे 2010 से रह चुका है और अभी भी रह रहा है, स्टिल कंटिन्यू। राम रोहन से मिल चुका है अनेक बार और अभी भी मिलेगा, स्टिल कंटिन्यू। तो यहाँ पे क्या देखा आपने कि काम जो पास्ट में इनिशिएट हुआ था, पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी कंटिन्यू है, उसे भी दिखाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अंतर क्या है, केस वन केस टू, केस वन में जो नोट था यहाँ पे टाइम के साथ, इसमें और फिर इसमें क्या अंतर है, यहाँ भी तो टाइम है 15 इयर्स, 2010 सेवरल टाइम्स, ये भी समय ही है, क्या अंतर है। तो इसमें क्या है, इसमें नहीं दिख रहा है कि पास्ट में इनिशिएट हुआ था। दे हैव टेकन देयर लंच, वो पास्ट में खत्म हो गया था, यहाँ पे काम यहाँ पे पास्ट में खत्म हो गया है। और फिर जब काम पास्ट में खत्म हो गया है और टाइम जुड़ेगा तो सिंपल पास्ट आ जाएगा, लेकिन जो काम पास्ट में शुरू हुआ था, खत्म नहीं हुआ था, शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, उसे तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट में ही रखना पड़ेगा। आशा है आप सबको समझ में आ गया होगा। हैव अ नाइस डे।